नमस्ते विधानसभा, जो विधानसभा ये खुद मंदिर है, खुद मस्जिद है, यानी सभी लोगों का एक न्याय मंदिर है। जब न्याय मंदिर है तो वहाँ किस आधार पर धर्म को वहाँ छूट दी जा रही है, वहाँ के सरकारों के द्वारा चाहे किसी भी राज्य सरकारों के द्वारा, जब संविधान में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि किसी विधानसभा में अगर धर्म बात तरीके से अपनाया जाएगा तो सीधा इसका असर राजनीति के आड़ में विधि व्यवस्था और आम लोगों के मानस में पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड सरकार ने एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की कि वहाँ नमाज अदायगी के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल कुछ छूट दी है, जिसका अगर नतीजा कल आपको बिहार के में इक्का दुक्का के जो दो विधायक जो बिहार के हैं, ये दरभंगा के केवटी, ये मुरारी मनोहर और दूसरे मधुबनी के यहाँ बीएसपी के हरिभूषण ठाकुर, दोनों नेताओं ने एक अखबारों के अनुसार आज उन्होंने मांग किया कि अब इन लोगों को भी विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी छूट दी जाए, जगह दी जाए। जिस तरह के शुक्रवार को मुसलमान धर्म को नमाज अदायगी के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, ऐसी बात मंगलवार को बजरंगबली को पाठ पढ़ने के लिए भी एक समय निर्धारित किया जाए। हम बताते चलते हैं कि हर शुक्रवार को विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में 12 बजे से 2 बजे तक आपका अवकाश हो जाता है, और विधान परिषद की जहां तक बात है 12:30 से 2:30 तक आपको स्थगित रहता है, चाहे हमारे मुसलमान भाई धर्म अनुसार जाके अपना नमाज अदायगी करें। लेकिन इसका सीधा असर पड़ता हुआ अब कुछ हिंदू ये विधायकों की मांग बढ़ती जाए, नतीजा कि इसका ऐसा लगता है कि भविष्य ठीक नहीं है। इसलिए विधानसभा को सभी नेता उसको न्याय मंदिर माने, कोई धर्म का उसका स्थल न माने। ये लोकेश मांडू चैनल का ये मामला है। फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।